अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग के 6:30 या 7:45 हो रहे हैं और सारी हम लोग ने कर ली है, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है और मैंने 2 पारे भी कंप्लीट किए हैं। माशाल्लाह से मेरे 22 पारे कंप्लीट हो गए हैं, जस्ट 8 पारे बाकी हैं एंड मेरी 1 कुरान शरीफ कम्प्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद मैं दूसरी भी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आज मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ी थी तो 10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी, फिर बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम हो जाएगा और बच्चों के लिए रोटी भी बनाना है तो रोटी बना दूँगी, देन उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी। अब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है बट सोऊँगी नहीं, जस्ट 10 मिनट के लिए लेटूँगी, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी करके बच्चों को स्कूल भेजूँगी, उसके बाद सो के उठूँगी तो 12 बजे तक आराम से मैं सोने वाली हूँ। देन उसके बाद आज जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी एंड पूरी रात मैंने रात तमाम उशारती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, सहरी के बाद ही मेरे हस्बैंड अभी सोए हैं और मैं तो अभी तक भी नहीं सोई हूँ, तो मैं भी जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजूँगी उसके बाद मैं सोऊँगी। तो चलिए मॉर्निंग की सुबह भी हो गई है तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आज का रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अभी 4:15 हो रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पर अलीशा मैडम सो रही है और आप देख सकते हो कूलर भी चालू है, फिर भी पता नहीं क्यों आज का रोज़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और अभी हस्बैंड को कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि आज लस्सी बनाऊँ और साथ ही बस बन रखे हुए हैं तो मैं उसके ही अंडा बन बनाऊंगी, मायोनीज पिज्ज़ा सॉस लगा रहा वो बनाऊंगी, फिर टैंग बनाऊंगी। अभी काफ़ी टाइम है बट थोड़ा सोने की कोशिश कर रही बट नींद नहीं आ रही, देखती हूँ थोड़ी देर सोऊंगी फिर उसके बाद जाऊंगी। फ्रिज में बर्फ़ भी रखना है, आई डोंट नो क्यों बट आज का रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। आप लोग का रोज़ा कैसा जा रहा ज़रूर कमेंट करना, मैं तो अभी सो रही हूँ। चलिए यहाँ पर रखते हैं हम, इसे मैं ओपन करूँगी एंड ये रख देंगे यहाँ पर, ये वाली ट्रे, ये वाले बर्तन बर्फ बनने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, तो मैं आ गई हूँ किचन में, असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है तो आज मैं बनाने वाली हूँ लस्सी, तो हस्बैंड लेकर आए दही और किस तरह से मैं बनाती हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इसमें मैं दही ऐड कर लूँगी और आई थिंक ये 1/4 किलो इतना दही है तो इसे मैं डाल दूँगी। मैंने दही ऐड कर लिया है, फ्रिज में बर्फ ट्रे में। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड करूँगी तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 4 to 5 tablespoons इतना ऐड करूँगी क्योंकि लस्सी मीठी ही काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी। साथ ही मैं यहाँ पर रॉब्स ऐड करूँगी, तो रॉब्स भी मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच इतना ऐड करूँगी और इसमें मैं थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर कर इसे ब्लेंड कर लूँ। और ये अमूल के आइसक्रीम जो कि छोटे छोटे टब में आते हैं ये 5 पीस वाले हैं, तो इसके ये 2 आइसक्रीम्स मैं ऐड करूँगी जो कि वनीला फ्लेवर में है। और ये मेरी लस्सी सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड मैं हमेशा बनाती हूँ रमज़ान में, तो इसके 2 टब मैं ऐड कर दूँगी। आपको उसमें पल्स में ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, जस्ट पल्स में 1 या 2 मिनट्स के लिए ब्लेंड करना है, ब्लेंड होने के बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो यहाँ पर ये 2 ग्लासेस में मैं इसे डेकोरेट करूँगी, तो थोड़ा सा मैं ये वाला रॉब जैसे पहले ग्लास को डेकोरेट करूँगी, इससे एक प्यारा लुक आता है।
तो कुछ इस तरह से पहले रॉब्जा को ऐड कर लेंगे ग्लासेस में। एंड इसके बाद मैं ऐड करूंगी लस्सी। एंड इसके ऊपर ये वाले आइसक्रीम भी ऐड कर दूंगी। तो इस वाले में भी मैं आइसक्रीम ऐड करूंगी। आइसक्रीम के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं अगेन ये वाला रब्जे का डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बढ़िया सी हमारी लस्सी रेडी है। एंड ये मेरी लस्सी मैं जिस तरह से बनाती हूँ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगी। एंड मेरे घर में तो ये काफ़ी शौक से पीते हैं मेरे हाथ की ये वाली लस्सी। तो चलिए फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अभी आपको बताने के लिए मैंने ग्लासेस में डाला है, तो यही ग्लासेस को मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये और चिल हो जाए। वाली हूँ ये बन का सैंडविच जो कि ऑमलेट डालकर बनाऊँगी। तो पहले मैं ये वाले बन को अच्छे से सेक लूंगी। बटर का लिख लो, चीज बटर दो अभी। नहीं चीज ना, खाली बटर। तो बन को मैं यहाँ पर इस तरह से हाफ साइड में कर लूंगी। मम्मी लच्छी चीज नहीं, बटर 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 है वो। तो इसे पहले बटर में मैं सेक लूंगी। मैं तवे पे बटर डालूंगी और ये वाले बर्फ को पहले सेक लेंगे हम दोनों साइड पर। सेक कर निकाल लिया है। अभी मैं ऑमलेट ट्राई करूंगी। तो पहले यहाँ पर हम आंच को थोड़ी धीमी कर लेंगे और एक बोल में ना ऐड करूंगी। तो अंडे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी मिर्ची, हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो रहा है यहाँ पर। मैं बन में पिज्जा सॉस एंड मायोनीज लगाऊंगी। तो एक सेट पर मैं यहाँ पर पिज्जा सॉस ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लूंगी और इस वाले साइड पर आगा। तो यहाँ पर हमारा ये बर्गर रेडी है। तो ऐसे ही मैं सारे बना लूंगी मेरे और बच्चों के लिए। तो चलिए इसे रखते हैं साइड पर और दूसरे बनाते हैं। तो दूसरे को भी मैं ऐसे ही करूँगी। पहले मैं ऐसे ही सारे बन को सेक कर निकालूंगी, देन उसके बाद ऑमलेट को भी एक साथ ही फेंट कर रख लूंगी, जिससे कि जल्दी जल्दी मैं मायोनीज पिज्जा सॉस लगा दूंगी तो ये आसानी से बन जाएंगे। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मैं इसे बनाकर रख दूंगी। एंड जब इफ्तार के टाइम से हल्का सा गर्म कर कर खा सकते हैं। तो इसे निकाल लेंगे फौरन। तो यहाँ पर मैंने पहले सारे बन को सेक कर बटर में सेक कर निकाल कर रख लिया था, क्योंकि इससे इजी हो जाता था, क्योंकि एक एक मुझे फिर फ्राई करना पड़ता एग और इसमें डालना पड़ता था, इसीलिए मैंने सारे बन को पहले बटर में अच्छे से सेक कर निकाल लिए थे। उसके बाद तीन अंडे थे मेरे पास, तो तीन अंडों को अच्छे से फेंट कर उसमें मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन और काली मिर्ची सब डालकर मैं अच्छे से फेंट कर थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर मैंने ऑमलेट को भी रेडी कर लिया था। और दो ये वाले अंडा बन को मैंने सामने घर के सामने वालों का भेज दिया था, बाकी हम लोग ने खाया था। काफ़ी टेस्टी बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए थे। मैं ऐसे ही बना के देती हूँ, अगर कभी बच्चों को खाने का मन करा तो मैं अंडा बन इस तरह से बना के देती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस एंड मायोनीज लगाने से बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें एक टेस्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ डालकर ना अभी मैं अंडे को फ्राई कर रही थी, तीन अंडों को एक साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड कर लिया था। उसके बाद पीसेस में कट कर कर रख लिया था और एक साथ ही मैंने मायोनीज एंड पिज़्ज़ा सॉस लगा करके सारे अंडा बन बनाकर रख लिए थे।
और आज का रोज़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। आप लोग का कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इफ्तार करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, अभी सो के उठने के बाद मैं यहाँ पर ये एडिटिंग कर कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने वीडियो को अपलोड करूँगी, देन उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, देन पारे भी कंप्लीट करने हैं, और रात का डिनर भी मुझे बनाना है। रात का डिनर क्या बनाऊँ पता नहीं। फिर कल मुझे कपड़े भी धोना है, काफ़ी सारा काम है पेंडिंग है, और काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और रोज़े में तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं 5 बजे या 4:30 को किचन में आती हूँ, बस उतना सा ही मेरे से काम हो रहा है दिन तमाम में, बच्चों को देखना बस उतना ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेडी है, एंड माशाल्लाह से हम लोग ने रोज़ा खोल लिया है।